अगर यह तय करने में परेशानी हो रही है आपको कि जिंदगी में क्या हासिल करना चाहते हैं, तो एक काम कीजिए, एक कागज लीजिए, उस पर कम से कम 30 ऐसी चीजों को लिखने की कोशिश कीजिए जो आपको खुशी दे सकती है। आपकी कल्पना शक्ति का विस्तार होगा और आप जान ये पाएंगे कि जीवन में सिर्फ एक वजह नहीं, बहुत सारी वजहें हैं जो आपको खुश रख सकती हैं। नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। 7 अगस्त है आज, दिन है बुधवार का। शुरू करते हैं आज की मॉर्निंग न्यूज, लेकिन उसके पहले मैं एक भावपूर्ण श्रद्धांजलि देना चाहूंगा सुषमा स्वराज जी को। वो देश की एक कुशल वक्ता रही, नेतृत्वकर्ता रही, और उनके आदर्श, उनकी वाणी सदैव भारतीयों का मार्गदर्शन करती रहेंगी। 7 अगस्त को उन्होंने अंतिम सांस ली और इसी के साथ देश को एक अपूर्णीय क्षति हुई है। सत सत नमन, भावपूर्ण श्रद्धांजलि। तो दोस्तों, आज के मॉर्निंग न्यूज की शुरुआत करते हैं एक ऐसी खबर से जिसके बारे में आप लोगों को लंबे समय से इंतजार रहता है। देखिए, मैं आपको बताना ये चाहूंगा कि 5 अगस्त को 69,000 के प्रकरण पर जो सुनवाई हुई थी, वो सुनवाई कुछ कारणों से पूरी नहीं हो सकी। कारण क्या था? कारण ये था कि एजी साहब कोर्ट में मौजूद नहीं थे और ये माना गया कि 6 अगस्त को दिन में 2:15 पर सुनवाई आगे बढ़ेगी और तब तक चलेगी जब तक कि इसका कोई फैसला नहीं आएगा। लेकिन दोस्तों, 6 अगस्त को यह सुनवाई नहीं हो सकी क्योंकि कोर्ट एडजर्न थी, मतलब कोर्ट बैठी ही नहीं, और इस वजह से हुआ ये कि इसकी अगली तारीख लगा दी गई। अगली तारीख 19 अगस्त लगाई गई है। आपको ध्यान ये भी होगा कि 19 अगस्त एक ऐसी तारीख है जिसकी तारीख पहले भी इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लगा रखी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यह कहा था कि लखनऊ खंडपीठ के डबल बेंच से जो भी फैसला आएगा, उसी फैसले के आधार पर 19 अगस्त को फैसला सुनाया जाएगा। लेकिन दोस्तों, मैंने पहले भी आप लोगों से कई बार कहा है, फिर से कहना चाहूंगा कि जो मामले कोर्ट में चले जाते हैं, वो मामले कब निस्तारित होंगे, उस पर भर्ती कब होगी, इसके बारे में कुछ भी स्पष्ट रूप से कहा नहीं जा सकता है। मतलब ये कि आगे जो भी परीक्षाएं हैं, आप उन पर फोकस करें। साथ ही साथ जो कुछ भी परीक्षाएं पहले होने वाली हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो RRB NTPC वगैरह का फॉर्म अप्लाई भी किए हैं, तो वो लोग अपनी पूरी क्षमता के साथ RRB NTPC की तैयारी में लग जाएं। और अगर आपको उसके पूर्व, यानी कि 69,000 से पूर्व कोई भी ज्वाइनिंग मिल रही है कहीं पर भी, तो उसको आप ज्वाइन जरूर कर लें। 69,000 भर्ती कब होगी, इसके बारे में एक अनुमान मैं लगा के बता सकता हूँ कि भर्ती अक्टूबर से पहले तो पूरी नहीं होने वाली है, और मामला अगर सुप्रीम कोर्ट जाता है तो थोड़ा वक्त इसमें और लगेगा। पिला जुलाकर आप लोगों से निवेदन बस इतना करना चाहूंगा कि 69,000 का बहुत ही बेसब्री से और लंबे समय तक आप इंतजार ना करें। सामने जो कुछ है उसमें भी आप प्रयास करते रहें, और क्योंकि 69,000 का मामला एक तरह से कोर्ट और भगवान के हाथ में है, तो इसे कोर्ट और भगवान और समय के हाथ नहीं छोड़ दें। डीएलएड की 2/3 सीटें अभी भी खाली है। पहले चरण में 2.42 लाख सीटों के सापेक्ष 81,000 सीटों पर ही दाखिला हुआ। कहीं ना कहीं इसकी एक वजह यह भी थी कि क्योंकि अब बीएड को प्राथमिक से लेकर इंटरमीडिएट तक सभी स्तर पर मान्यता मिल गई है, तो बहुत सारे लोग अब डीएलएड करना ही नहीं चाहते हैं, तो जो फ्री सीटें हैं वो लगभग भर चुकी हैं, जो पेड सीटें हैं उनका भरना मुश्किल लग रहा है। दोस्तों, आपको बता दें कि सचिव परीक्षा नियामक अधिकारी की ओर से प्रदेश के सभी 66 डायट हुई काउंसलिंग के बाद 1.33 लाख अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन काउंसलिंग करवाई, जबकि प्रवेश मात्र 81,000 ने लिया, और इस प्रकार सीट अलॉटमेंट के बाद भी 52,000 अभ्यर्थियों ने प्रवेश नहीं लिया। डीएलएड की 1.61 लाख सीटों पर प्रवेश अभी बाकी है। सचिव ने यह बताया कि 66 डायट, 253 अल्पसंख्यक डीएलएड संस्थान और 3010 निजी डीएलएड कॉलेजों की लगभग 2,42,000 सीटों पर प्रवेश प्रक्रिया 27 जून से शुरू है, और जो बाकी की सीटें हैं उस पर काउंसलिंग की जो प्रक्रिया होगी वो 16 अगस्त से शुरू होगी। दोस्तों, आपको ये भी बता दें कि ITI का रद्द हुआ पेपर अब 11 अगस्त को होगा। यह पेपर प्रश्नपत्र लीक होने की सूचना के बाद रद्द कर दिया गया था। संयुक्त निदेशक RP यादव की ओर से जारी आदेश में परीक्षा पूर्व की तरह सुबह 10 बजे से उन्ही केंद्र पर कराने की बात कही गई है। ITI की लिखित परीक्षा के पहले ही दिन पेपर लीक होने के बावजूद परीक्षा कराई गई थी।
तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज है आप सभी लोगों के लिए। दोस्तों एसएससी की ओर से एक नोटिफिकेशन, एक विज्ञप्ति जारी की गई है जिसे आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन 2018 की परीक्षा जून में हुई थी और इसमें जो है जो उम्र सीमा है वो बदल दी गई है। पहले यह उम्र सीमा क्या थी, 20 से 27 साल थी, अब इसे घटाकर 18 से 27 साल कर दिया गया है। बाकी का जो विज्ञापन है वो अनचेंज है, ठीक है। तो अब ऐसे अभ्यर्थी जिनकी उम्र 28 साल से लेकर 27 साल के बीच में है तो वो लोग भी टैक्स असिस्टेंट के लिए जो है एलिजिबल है, ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि ये जो है ग्रुप सी की एक पोस्ट है। दोस्तों अगर आप रोजगार की तलाश में हैं तो थोड़ा सा आपको हो सकता है लोकेशन चेंज करना पड़े, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर आपको बहुत सारी वैकेंसीज देखने को मिलेंगी। भारतीय डाक ने ग्रामीण डाक सेवक GDS के पद पर 10,066 वैकेंसी निकाली है। ये भर्तियां बिहार, असम, पंजाब, गुजरात, केरल और कर्नाटक राज्यों के लिए निकाली गई है। 10वीं पास उम्मीदवार इन भर्तियों के लिए आवेदन कर सकते हैं। 10वीं मैथ्स और इंग्लिश विषय अनिवार्य या इलेक्टिव विषय के तौर पर होना आवश्यक है और उम्मीदवार ने 10वीं तक स्थानीय भाषा भी पढ़ी हो। उम्मीदवार के पास कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए और उसके पास मान्यता प्राप्त कंप्यूटर ट्रेनिंग सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, जैसे कि 2 माह का बेसिक कंप्यूटर कोर्स सर्टिफिकेट, साइकिल चलाना आता हो। और आवेदन की जो अंतिम तिथि है वो 4 सितंबर है। आवेदन करना चाहते हैं तो लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया, वहां पर जाकर आप जो है किसी भी प्रदेश में उसके नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं और आवेदन कर सकते हैं। उम्र सीमा है 18 से 40 वर्ष और OBC को 3 वर्ष की छूट और SC ST को 5 वर्ष की छूट भी दी गई है। वेतन कितना होगा, तो दोस्तों कम से कम 4 घंटे के लिए न्यूनतम कुल यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 12,000 से लेकर 14,500 रुपए और कम से कम 5 घंटे के लिए न्यूनतम 10,000 से 12,000 रुपए की तो आपको जो वेतन दिया जाएगा। और ये वैकेंसी बिहार में 1,063 पद हैं, गुजरात में 2,510। बाकी के पदों के लिए आप जो है संबंधित राज्य के विज्ञापन को जरूर देखें जहां पर आप अप्लाई करना चाहते हैं वहां पर जाकर। दोस्तों आपको ये भी बता दें कि प्रसिद्ध स्कूलों की 68,500 सहायक अध्यापक भर्ती की लिखित परीक्षा में फेल होकर भी शिक्षक बनने में सफल रहने वालों को जल्द ही बाहर करने की कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी। PNP ने उन्हें अनुत्तीर्ण घोषित कर दिया है क्योंकि उनमें से अधिकांश पुनर्मूल्यांकन में भी उत्तीर्ण नहीं हो सके। अब बेसिक शिक्षा परिषद उन्हें नोटिस और अन्य कार्रवाई को आगे बढ़ाएगा। गलती किसकी है यह विचार करने योग्य है। अगर ये लोग अनुत्तीर्ण थे तो उन्हें अनुत्तीर्ण रिजल्ट पर घोषित क्यों नहीं किया गया और 2 साल की नौकरी के बाद उन्हें बाहर किया जा रहा है। एनीवे इसे आप सिस्टम की एक बड़ी खामी मान सकते हैं। बहुत सारे लोग सिस्टम से बहुत नाराज रहते हैं, नाराजगी वाली बात भी है, लेकिन दोस्तों रहना आपको इसी सिस्टम में है तो सिस्टम को सुधारने के लिए आपको प्रयास करना चाहिए। मैंने कभी किसी मूवी में एक डायलॉग सुना था, कोई भी देश परफेक्ट नहीं होता, उसे परफेक्ट बनाना पड़ता है। और दोस्तों यहाँ पर एक खबर यह भी है कि 195 माध्यमिक संस्कृत स्कूलों पर बंदी की तलवार लटक गई है। इन स्कूलों में विद्यार्थियों की संख्या 100 से कम है और इन स्कूलों के विद्यार्थियों को अब अधिक विद्यार्थियों वाले स्कूलों में समायोजित किया जाएगा। वहीं इन स्कूलों के शिक्षकों को ऐसे स्कूल जहां अधिक विद्यार्थी और कम शिक्षक है वहां ट्रांसफर कर दिया जाएगा। माध्यमिक शिक्षा निदेशक विनय कुमार पांडे की ओर से ऐसे स्कूलों का सर्वे करवाने का निर्देश दिया गया है। 15 अगस्त तक अधिकारी जो होंगे वो अपनी रिपोर्ट दे देंगे। तो दोस्तों ये है आज की बड़ी अपडेट्स। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा और अगर पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दोस्तों याद रखिए कि अगर आप अपना लक्ष्य एक बार निर्धारित कर लेते हैं तो आपको पीछे नहीं देखना चाहिए, कठिनाइयों को नहीं देखना चाहिए और ये भी गणना नहीं करनी चाहिए कि आप कितने सक्षम हैं कितने नहीं। लक्ष्य एक बार अगर आपने देख लिया तो आपको बस यही प्रयास करते रहना चाहिए कि लक्ष्य तक आप कैसे पहुंचेंगे। परिश्रम से मत घबराइए, दुनिया में बिना परिश्रम के आज तक किसी को कुछ भी हासिल नहीं हुआ, तो परिश्रम से क्या घबराना। मैं आपको बता दूं कि लोअर पीसीएस की परीक्षा 14 और 15 सितंबर को है, अपर पीसीएस की परीक्षा 15 दिसंबर को है। काफी वक्त है आपके पास तैयारी करते रहे। लोअर पीसीएस की जो वैकेंसी होती है वो प्रतिवर्ष नहीं आती है, उसमें कभी कभी साल दो साल का गैप भी होता है, तो ये अंतिम मौका है और इसमें पदों की संख्या बढ़ भी सकती है। अभी तो फिलहाल कुल 672 पद हैं और ये पद अगर बढ़ते हैं तो आपके लिए अच्छा ही होगा।
यूबीडीटी के बारे में आप लोगों से बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि इसकी भी तैयारी करवाई जाए, तो दोस्तों यूबीडीटी के लिए भी मैं प्रिपरेशन करवाऊंगा, लेकिन इसकी तैयारी सोमवार से शुरू होगी, ठीक है। और मैं इंतजार कर रहा हूँ कि एक क्लियर कट नोटिफिकेशन जारी हो जाए, जिससे ये डिक्लेयर हो जाए कि यूबीडीटी में जो अफवाहें चल रही हैं कि सिलेबस बदल जाएगा, नहीं बदलेगा, पुराने पैटर्न पर होगी, नए पैटर्न पर होगी, वगैरह वगैरह, जो भी इन्फॉर्मेशन है एक बार क्लियर हो जाए तो फिर उसी पैटर्न पर हम तैयारी आगे बढ़ाते हैं। और दोस्तों मैं आपको ये भी बता दूं, यूपीटेट की परीक्षा के लिए 50 दिन पर्याप्त होता है। 50 दिन की अगर सही तैयारी आप लोग कर लें तो आसानी से 130 से ज्यादा अंक आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आज्ञा दीजिए, नमस्कार, जय हिंद।